नौटंकियाँ कम होने का नाम नहीं ले रही, आज भी कहीं नौटंकी करना शुरू कर दिया उन्होंने, क्या किया है? उन्होंने नाटक किया है, उन्होंने नाटक किया ये कि वो मुझे बोल रही है कि मैं बहुत ही बुरी माँ हूँ, इसलिए मैं नीचे सोऊंगी, और ये फाल्गुनी तो देख नहीं सकती कि वो तो बच्ची, हाँ बच्ची है और वो माँ को सबसे ज़्यादा प्यार करती है, तो वो तो देख ही नहीं सकती कि मेरी माँ मेरी वजह से नीचे सोती है। तो नहीं नहीं आप अच्छी माँ हो, मैं ही बुरी बच्ची हूँ, मैं ही नीचे सोऊंगी, आप ऊपर सो। ये सोच के आपने उनको ऊपर सोला दिया और खुद नीचे सो गई? हाँ, खुद मैं नीचे सो गई। तो और फिर बिट्टू आती है और मुझे बहुत गुस्सा आता है, रोना भी आता है, और जीजी माँ को कहती हूँ कि उठ जाओ दूसरे रूम में सो जाओ, तो मुझे डांट के भगा देती है जीजी माँ कि चले जाओ बुरी दीदी हो बेचारी। लेकिन इसी दौरान जब आपके आने से पहले उन्होंने शायद एसी भी बढ़ा दिया जानबूझ के, तो ये भी एक यही चाल है उनकी, पहले मुझे नीचे से लाएंगी उसके बाद एसी फुल ऑन कर देंगी, और चादर भी नहीं है मेरे पास, तो मैं बहुत ठंड से कांप रही हूँ और फिर मैं बीमार पड़ जाती हूँ। और ये सुबह जब आती है तो ये देखती है कि एक और चीज़ उन्होंने की है साथ में एसी का टेम्परेचर के साथ साथ और चादर नहीं देने के साथ साथ उन्होंने मुझ पर पानी डाल दिया है, तो वो से उससे मैं और ज़्यादा शिवर कर रही हूँ और मुझे बुखार हो गया, तो ये आके देखती है कि मुझे बुखार हो चुका है। तो लास्टली अब तो मतलब हद हो रही है, जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं वो कुछ ना कुछ और ज़्यादा डेडली करते जा रही है, तो नियति अब क्या? नियति अब उत्तरा देवी की क्लास लेगी, पर वो सक्सेसफुल होती है नहीं होती है वो तो जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा जी। थैंक यू।